बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालाबाग शहर डिस्ट्रिक्ट मियावाली का यूनियन काउंसिल है और इसका एक अहम शहर भी है। कालाबाग दरिया सिंध के मगरबी किनारे पर वाकया एक बहुत ही पुराना शहर है। यहाँ नवाब ऑफ कालाबाग रहते थे और अपने किले में रहते थे, जिसको कला नवाब साहब भी कहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर रेल का पुल, एक पुल है जो कि तकरीबन एक सदी पुराना है। एक अंग्रेज़ ने 1929 में, जिसका नाम W.D. क्रुकशैंक था, उसने एक रिपोर्ट में लिखा है कि रेलवे ब्रिज ओवर द रिवर इंडस कालाबाग। उसने ये लिखा है कि दरिया पर पुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचा गया और आखिरकार 1888 में फिर इसका सर्वे, यानी NWFP और पंजाब को, तो इसके लिए 1888 में एक सर्वे हुआ, जिसके बाद फिर यानी कि उसकी जो फिजिबिलिटी के लिए इन्वेस्टिगेशन के लोग आए वो 1919 और 1924 में आए, और आखिरकार फिर ये मनसूबा जो था ये 1929 में ये प्रोजेक्ट मंजूर हुआ और फिर 2 साल तकरीबन इसको बनाने में लगी, यानी कि 1929 में ये पुल तामीर हो गया। ये पुल जो था ये पहले इस पे रोड वगैरह नहीं था, यानी कि इस पे कोई गाड़ी वगैरह, मोटर कार वगैरह ये नहीं गुजर सकती थी। ये सिर्फ इस पे रेलवे ट्रैक था, और इस पे 2 किस्म के रेलवे ट्रैक थे, एक छोटी गाड़ी के लिए, मालगाड़ी के लिए, और एक बड़ी गाड़ी के लिए था। जो छोटी रेलगाड़ी के लिए था ये लक्की मरवत, बनू और टांग की तरफ ही इसका रोड जाता था, इस ट्रैक की जो चौड़ाई थी वो 2.6 फुट थी, जबकि जो कि मशरकी साइड का जो था ट्रैक था वो बड़ा था, और उस पर बड़ी गाड़ियां जो है वो जाती थी। इस पुल की तामीर से पंजाब और NWFP का कनेक्शन हो गया, और लाहौर जो था वो बिल्कुल उसका रابطہ डायरेक्ट वज़ीरिस्तान के साथ हो गया। और इसको बनाने का मकसद भी यही था कि वज़ीरिस्तान के को पंजाब के साथ मिलाया जा सके, और NWFP में जो है के लोग वो पंजाब आते थे कारोबार के लिए, तो अब जो है ना वो इसी पुल को इस्तेमाल करते थे, और पंजाब के लोग जो है वो NWFP जाते थे कारोबार वगैरह के लिए, वो इसी पुल को इस्तेमाल करते थे। पहले लोग क्योंकि ये दरिया सिंध था और इसलिए वो किश्तियाँ इस्तेमाल करते थे इसको पार करने के लिए। मुआशी तौर पर और फौजी एतबार से ये बहुत ही अहमियत का हामिल पुल है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन ये है कि इसको बहुत खूबसूरत तरीके से मेंटेन किया गया है। तो प्यारे दोस्तों, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं, Zen TV Top 10। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मेरी हौसला अफज़ाई हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का।